देवी का तो पूजा छोड़ना पड़ेगा। कैसे नहीं, जब नव दुर्गा की नवरात्रि आती है ना, गौरी मन के दीक्षा मंत्र किया, तिलक लगा दिया। लेकिन जब नव दुर्गा की व्रत आए नवरात्रि, फिर नवरात्रि रख लेते हैं। इसका मतलब तुम्हारी भक्ति भक्ति से, गौरी मन से कोई मतलब नहीं तुम्हारा। फिर कड़ुआ चौथ रख लेते, फिर गणेश का व्रत रख लेते, इधर उधर देवा देवियों का व्रत रख लेती। नहीं, अगर तुम रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, अगर तुमको एक निश्चित में ब्रज प्रेम चाहिए, जीवल चरण की, यहाँ तक भी रघुनाथ दास गोस्वामी कहते तुम्हें, यहाँ तक भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। हैं? अरे किसको ऊपर में छोड़ना पड़ेगा? हमें तुम्हें मथुरा की भक्ति भी त्याग देना पड़ेगा, द्वारका भी भक्ति भी त्याग देना पड़ेगा, यहाँ तक तुम्हें मथुरा भी भक्ति त्याग देना पड़ेगा, यहाँ तक भी ब्रज में भी तुमको दास्य सत्य वात्सल्य रस भी त्याग दे करके, केवल जुगल की सेवा में है, रूपा अनुग हो करके, रूपो गोस्वामी की अनुगत्य में। बहुत ऊंची बात करते हैं, कहते अगर तुमको वो ब्रज प्रेम अगर चाहते हो, यहाँ तक भी अकेला माधव पूज्य स्वज्ञानी, अकेले कृष्ण का भक्ति भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, अकेले कृष्ण भक्ति में तुम्हें त्याग देना पड़ेगा। इसलिए कैसे भक्ति करनी पड़ेगी? भले राधिकार दासी यदि है अभिमान, शीघ्र मिले तबे गोकुल। अगर राधा रानी की अनुगत्य हो करके, रूपा अनुगत्य हो करके, रूपो गोस्वामी की अनुगत्य में अगर भक्ति करोगे, गए वहां पर श्री वेंकट भट्ट घर में, जब महाप्रभु गए वहां पर, श्री वेंकट भट्ट, त्रिमल भट्ट, प्रबोधानंद सरस्वती इनके घर में जब चातुर्मास में निवास किए, वहां पर महाप्रभु श्री कहते श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी उस समय छोटे बालक थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। महाप्रभु जो उनके घर में रुके, महाप्रभु सत्संग करते करते महाप्रभु प्रश्न कर लिया, बोले किया चराते हैं, वो तो गोपाल है, हमने सुना तुम्हारी लक्ष्मी तो वैकुंठ में रहने वाली, वहां तो अथा ऐश्वर्य नारायण की अंकसायिनी और पति को कहां से मिला? बोले भागवत से मिला। बोले भागवत मैं भी पढ़ता हूँ, लेकिन भागवत में तो ऐसी सब चीज मिली नहीं गई। हाँ, यहाँ पर अच्छी शिक्षा देते हैं। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थानी। अगर भागवत पढ़ना वैष्णव का अनुगत्य में पढ़ो। बोले कौन सा वैष्णव? श्री वैष्णव भी है, ये भी भागवत पढ़ते हैं। हैं? कहते ये श्री हम निबार्ग संप्रदाय भी पढ़ते हैं। पटकी अनुगत में पढ़ो, रूपानुगत, केवल रूपानुगत। इसलिए महाप्रभु धारा में जो आए हैं भक्त हैं, चैतन्य भक्त रे तुम्हें नित्य कर संग। नित्य किसका संग? चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी भक्तों का अनुगत में पढ़ना पड़ेगा। फिर क्या होगा? बोले तबे तो बुझी में तुम्हें सिद्धांत करें। अगर सिद्धांत में रस में अगर प्रवेश करना चाहते हो, क्या करो? केवल रूपानुगत तो हो करके ही भागवत पढ़ो, नहीं तो भागवत का रस तुम्हें समझ में नहीं आएगा। जिसे बताए ज्ञानों में परम गुह्यम, जद विज्ञान समन्वितम, सह रहस्य तदगच गृहाणम गदितमया। यही श्लोक को जब कोई दूसरे व्यक्ति व्याख्या करेगा, वो बोलेगा भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया विज्ञान। लेकिन जब रूप गोस्वामी इसको व्याख्या करते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती जब व्याख्या करते हैं ना, कहते भैया ज्ञानों में परम गुह्यम, ये परम गुह्य ज्ञान तक जब कृष्ण को जानते हो, लेकिन ये परम गुह्य ज्ञान कब होगा? बोले जब राधा कृष्ण जुगल की उपासना होगा। बोले इतने में नहीं, तदंग गंज उसका जो अंग है तो कौन है? बोले ये रूपानुग हो करके तदंग गंज गृहाणम गजित मैया। जब तक ये गोपियों की रूपानुगत्व हो करके, विश्वनाथ जी ठाकुर कहते रूपानुगत्व हो करके, जब तक तुम भागवत नहीं पढ़ोगे, ये ज्ञान का जो परम गुह्य ज्ञान तुमको पता नहीं चल सकता है। इसलिए सिर्फ भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज कहते हैं, जब प्रभु पाद की अनुगत में नहीं पढ़ोगे, भैया रूपानुगत बोलने पर रूपानुगत तुमको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कहते जो केवल प्रभु पाद की अनुगत में आए हैं, वो वही केवल रूपानुगत, बाबा जी में नहीं है। इसलिए सहजिया में नहीं, कहते प्रभुवाद का अनुगत्य होकर के भागवत पढ़ना पड़ेगा। इसलिए कहते हम भी तो पढ़ा, लेकिन हमें तो कुछ मिला ही नहीं। कहां पर? तब श्रीमन महाप्रभु भागवत से तीन चार जगह से श्लोक उन्होंने कोटेशन किया। देखो कहां पर लक्ष्मी तपस्या करती है, एक श्लोक उन्होंने कोटेशन।
तमाम सुचिरत भीतर पड़ता। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अभी तक भी ये लक्ष्मी प्राप्त नहीं कर पाया, मतलब अभी तक भी लक्ष्मी बैठी हुई है। इसलिए हर जगह में लक्ष्मी को देखो वो ऐसे करके बैठती है, लेकिन यहाँ को प्रेम करती कर सकती हो? बोले ये तो बड़ा कठिन चीज, शादी तो आपसे कर सकती हूँ लेकिन दूसरे से कैसे करूंगी। दिया जिस समय उद्धव जी ब्रज में आए, उन्होंने ब्रज गोपियों के प्रेम को देखा, जब श्री राधा रानी को प्रेम को देखा, कहते ना बुद्ध शुद्ध है गयो, सुनी गोपियों की बोल, ज्ञान बजाए डुगडुगी बाजे प्रेम की ढोल। जब उन्होंने राधा रानी के प्रेम को देखा वंदना की, उसमें एक श्लोक है नायम श्रीअंग नित्यांत रते प्रसाद, ये एक श्लोक है। मतलब है जो सौभाग्य को कहते जो स्वर्ग में रहने वाली जिनकी शरीर से कमल फूल का खुशबू निकलती है, ऐसे जो देव कन्याएं हैं, जो देव कन्याएं जो बामन देव की जो लक्ष्मी स्वरूपिणी, उनको जो प्राप्त नहीं हुआ है, कहते जो चीज को लक्ष्मी को भी जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, भुज दंड गृहित कंठा, कहते जिस कृष्ण जिस हाथों को कभी कभी कृष्ण गोपियों को गले में गलवहनिया दे करके, हे गोपियां तुम लोग रास छोड़ करके मत जाओ, नहीं तो रस भंग हो जाएगा। जो सौभाग्य को प्राप्त नहीं हुआ वो सौभाग्य कौन प्राप्त करते हैं? ब्रज गोपियां प्राप्त करती हैं। जो उन्होंने ये श्लोक को धृत किया, उसमें और एक श्लोक है, उसमें लक्ष्मी भी जो उन तीन चार श्लोक को धन किया, बोले देखो, बोले भैया मैंने भी तो भागवत पढ़ा, इसे दिखाई नहीं, कारण क्या? जब तक महाप्रभु की भक्तों के अनुगत में मत पड़ो, भागवत के संपूर्ण रस को अपना आस्वादन नहीं कर सकते हो। तो महाप्रभु बताए जानते हो कारण क्या है? तो महाप्रभु बताए, लेकिन कृष्ण के अंदर चार विशेष गुण है जो और किसी को अंदर में नहीं। पहला है सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कल्लोलबारी, पहला लीला उनकी लीला माधुर्य है, और लीला में कृष्ण जितने भक्तों का वशीभूत हुए, वात्सल रस में उनकी संख्या रस में श्रृंगार रस में जितने वशीभूत हुए और कोई वशीभूत हुए नहीं, और सर्वश्रेष्ठ लीला है कहते उनकी रास लीला है। इसलिए कृष्ण स्वयं गोस्वामी इसके दो उदाहरण दिया है, एक उदाहरण देते हैं रास लीला में, ब्रह्मा का एक दिन तक लीला की। बोले ब्रह्मा जी को सबके चक्कर पक्के हो गए, बोले बाबा रे हमने ये सब बात कभी सुनी नहीं, हमने